हाँ हीरो, अब सुना। अरे चाचा ये सुनो, गर्मा गर्म दिल्ली के आसमान में देखा गया एलियन, ब्रेकिंग न्यूज। अरे चुप कर, कोई बड़ी खबर सुना वरना यहीं उतार दूंगा। बड़ी खबर तो ये सुनो, गुजरात में बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। पता नहीं क्या हो गया इस देश को, न जाने कितना पैसा फूका होगा। सबसे बड़ी प्रतिमा, खर्चा चाचा इनकम होगी इनकम। हाँ प्रतिमा कमा के देगी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा इंडिया में, सोचो कितना ऊंचा नाम होगा इंडिया का। लोग हमें ऐसे देखेंगे ऐसे जैसे लोग अमेरिका जाते हैं ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने, वैसे यहाँ आएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। हाँ तो टूरिज्म बढ़ेगा, इनकम होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी। लेकिन ये प्रतिमा है किसकी? किसकी? उस इंसान की जिसने अंग्रेजों को गेट आउट किया, जिन्हें अंग्रेज भी सलाम करते थे, जिन्होंने इंडिया को यूनाइट किया। अरे ये भी बताएगा कि किसकी? और कौन, अपने आयरन मैन की। ओ सरदार पटेल की। वो तो बहुत बड़ा आदमी थे, लेकिन ये अब तक क्या कर रहे थे? ये तो बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। खैर देर आए दुरुस्त आए, ये लो भाजी खाओ, आयरन मिलेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की नींव रखी थी नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2013 में, और इसका लोकार्पण होगा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार सरोवर डैम गुजरात से। और हमारे महान सरदार आने वाली पीढ़ियों को ऐसे ही प्रेरित करते रहेंगे। सबसे ऊंचा, सबसे शानदार, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अखंड भारत के प्रणेता को राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि।